था जीवन का आधार। भगवान श्री राम, भगवान महावीर, गौतम कल्प का जन्मी महर्षि पाणिनि पतंजलि, इनके द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक मूल्य, आदर्श, परंपराएं, सिद्धांत, वो सब वैज्ञानिक हैं और सार्वभौमिक हैं, इसलिए हम उनको स्वीकार करते हैं। मैं कह रहा, हम इसलिए शाकाहार करते हैं कि शाकाहार से हमारे भीतर सदाचार बढ़ेगा। मांस खाने वाले व्यक्ति वैसे भी ज्यादा कामुक होते हैं, शाकाहार से हमारे भीतर प्रेम बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी। यदि हम समाधि के क्षेत्र में भी उन्नति करना चाहते हैं, हम ध्यान समाधि और अंदर की दुनिया में, भीतर की दुनिया में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो हमें साकार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कह रहा था, मांसाहारी व्यक्ति के शरीर में अनेक जीवों की, आत्मा की जो पीड़ा होती है, उससे वो कभी भी आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकते। उनके भीतर का सत्य कभी जागृत नहीं हो सकता। और ये हमारे यहां पर मांसाहार मात्र करना ही पाप नहीं समझा। हमारे यहां पर तो यदि आपके सामने किसी की हिंसा हो रही है और आप उसके मौन दृष्टा बने हुए, तो भी आप अपराधी, ऐसा कहा। माने हिंसा करना, हिंसा हो रही है उसका अनुमोदन करना और हिंसा दूसरों से करवाना, लोभ से हिंसा करना अर्थात कत्ल खाने आदि चलाना, मीट आदि की दुकानें चलाना, अंडे आदि बेचना, पोल्ट्री फार्म चलाना, ये सब हिंसा की श्रेणी में आते हैं, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये सोशल क्राइम है, स्पिरिचुअल क्राइम है, रिलीजियस क्राइम है। हिंसा करना, हिंसा करवाना और हिंसा हो रही है उसका अनुमोदन कर देना, मौन हो जाना, लोभ से हिंसा करना, माने ऐसे व्यापार करना जिनसे खून का पैसा तुम्हारे घर में आता है, वो महाविनाश का कारण बनेगा। लोभ से हिंसा, क्रोध के कारण हिंसा, कोई विचार नहीं था किसी की हत्या करने का, लेकिन आवेश में तुमने किसी की हिंसा कर दी, इसको पाप की श्रेणी में माना गया। हमारे अब तो छोटी सी हिंसा को भी अपराध की श्रेणी में माना गया। माने तो कहते हैं आपके शरीर पर मच्छर भी है तो उसको हटा दो, उसको मारो मत। माने इतना तक चूहों को भी हमारे यहां पर पूज्य माना गया, सांपों को भी हमारे यहां पर पूज्य माना गया। बहुत से मंदिरों में हमारे यहां पर सांपों की पूजा होती है, हमारे यहां सांपों को लोग दूध पिलाते हैं, हमारे सर्पों को पूज्य माना, भगवान शंकर के गले में सांप है, हमारे यहां पर चूहे को पूज्य माना, गणेश जी के साथ में चूहे को जोड़ा। हमारे यहां पर संस्कृति में अनेक रूपों में, हमारे यहां पर जो दश अवतार की जो अवधारणा है, वो इसीलिए कि सभी में मेरे भगवान रहते हैं। शोर में भी भगवान है, वराह में वराह अवतार, हमारे यहां पर हर कश्यप अवतार, हमारे यहां पर सब जीव जंतुओं को एक उपलक्षण की दृष्टि से, जल चर छल तर नभचर जितने भी प्राणी हैं, हमारे यहां पर उनमें भगवदीय सत्ता को स्वीकार किया और उनको भगवान का प्रतिरूप माना। हम सबको ब्रह्म रूप में देखते हैं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं और हम भारतीय शाकाहार करते हैं। शाकाहार के नाम पर और भी बहुत से दुष्प्रचार हो रहे हैं और मुझे कई बार तो बहुत कष्ट और पीड़ा उस वक्त बहुत गहरी होती है जब सरकारें, जो लोग जिनके अंतर्मन मांसाहार को कभी स्वीकार नहीं करते, उनको अंडे खिलाते रहते हैं, किसे पोषण मिलेगा? अरे प्रोटीन तो दूध में होता है, प्रोटीन तो दालों में होता है, प्रोटीन के नाम पर तुम अंडे खिलाओ। और अंडे की उत्पत्ति आखिर कहां से होती है? मुर्गी जहां से विष्ठा करती है, शोष करती है, वहां से पैदा हुई उस चीज को कैसे पवित्र कहा जा सकता है? और यदि वैज्ञानिक रीति से विचार किया जाए तो वो कभी स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई ये कहता है कि उसमें जीव नहीं होता तो भी वो खाद्य नहीं है, क्योंकि वो मुर्गी के जहां से वो लैट्रिन करती है वहां से पैदा होता है, और यदि उसमें जीव है तो फिर वह भी त्याज्य है। माने किसी भी तरह से हम अंडा को शाकाहार नहीं ठहरा सकते और हम मांसाहार को वैज्ञानिक नहीं ठहरा सकते, नैतिक नहीं ठहरा सकते, वह एक अपराध की श्रेणी में आता है। मैं कह रहा था हमारी संस्कृति में हम अपने बच्चों को शाकाहार का संस्कार देते हैं और उसके पीछे है
वैज्ञानिक कारण। जितना हमें जीने का अधिकार है उतना ही अन्य समस्त जीवों को भी जीने का अधिकार है। हम फिर क्यों करते हैं मांसाहार? जरा फिर से सोचें, फिर से विचार करें कि क्या मांसाहार करके आप क्रूरता तो नहीं कर रहे? क्या मांसाहार करके किसी जीव को तरफते तरफते मरने के लिए विवश नहीं कर रहे हैं? क्या आप मांसाहार करके किसी जीव की सत्ता को समाप्त करके दूसरों की सत्ता को मिटा करके खुद जीने की लालसा केवल इसलिए कि उसमें कुछ स्वाद आता है? मैंने किसी मांसाहारी से पूछा, तुमने कौन कौन सा मांस खाया? उसने कहा, स्वामी जी ये पूछो कि कौन सा नहीं खाया। मैंने कहा, क्यों ऐसा खाया? बोले, में बहुत तरह के स्वाद होते हैं। जिस क्रूरता से मांस खाया जाता है, जिस क्रूरता से मांस पकाया जाता है, जिस क्रूरता से जीवों को खत्म किया जाता है, वह किसी को भी के भी दिल को दहला सकता है। लेकिन क्योंकि वो कत्ल हमारी आंखों के सामने नहीं होता है, इसलिए हम आंख बंद कर लेते हैं। तो हमारी आंखों के सामने यदि हमारी माँ बहन और बेटी का कत्ल हो, हमारी आंखों के सामने कत्ल हो, तभी हम उसको कत्ल मानेंगे। और हमारी आंखों के पीछे से यदि हमारी माँ बहन बेटी और हमारे भाई का कत्ल हो जाए, हम उसको अपराध की श्रेणी में नहीं गिनेंगे? जरा सोचो, कुछ विचार करो, अपने शरीर को कब्रिस्तान न बनाओ, शमशान न बनाओ। कितने जीवों की बद्दुआएं तुमको मिलेंगी और तुम सुख से नहीं जी पाओगे। खून से सने हुए हाथों से जिंदगी को जीना बेकार है। मैं कह रहा था, तुम इसलिए मांस खाते हो क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है। तुम इसलिए मांस खाते हो क्योंकि उन मांसाहारी जीवों के हाथ में वेपन्स नहीं है। तुम इसलिए मांस खाते हो क्योंकि उनका कोई जुडिशियरी सिस्टम नहीं है। और तुम इसलिए मांस खाते हो क्योंकि खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। फिर से सोचो, फिर से चिंतन करो। शाकाहार खाली भारतीय संस्कृति का विचार नहीं है। शाकाहार एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले, एक सार्वभौमिक सोच रखने वाले, एक मस्तिष्क का विचार है। और यदि जिस दिन तुम्हारी भी सोच सार्वभौमिक हो जाएगी, वैज्ञानिक हो जाएगी, उस दिन तुम मांसाहार नहीं कर पाओगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न लोग उठाते हैं कि यदि जीव हत्या की बात की जाए तो जीव तो पेड़ पौधों में भी होता है। लेकिन आपको मैं कुछ बातें उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आप जब सेव को खाते हो, कभी चीख सुनी? और आप सेव को ऐसे उठा करके खा सकते हो, आपको उसके चाकू भी लगाने की जरूरत नहीं। आपने लीची को खाया, कभी कोई चीख सुनी? फिर दूसरी बात एक और कहता हूं, हम शाक सब्जियों को, सलादों को हम ऐसे ही खा सकते हैं, हमें चाकू की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें बिना पकाए भी खा सकते हैं हम शाकाहार के समस्त चीज़ों को, सारी शाक सब्जियां, सारी दालें हम कच्ची भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, चबा सकते हैं। चने को, मूंग को कच्चे को भी चबा सकते हैं, पकने के बाद भी चबा सकते हैं। क्या आप मुर्गा ऐसे उठा करके अपने हाथ से ऐसे खा सकते हैं? कोई बहुत ही क्रूर व्यक्ति होंगे दुनिया में जो जिंदे जीव को ऐसे हाथ से चबा सकते हो, उनकी कौन से सलाह नहीं करेगी? जब वो मुर्गे को तड़पता हुआ देखेंगे तो मुर्गे को हाथ से ऐसे खा नहीं सकते, उनको काटना पड़ता है, उनको पकाना पड़ता है। हाँ, जो मांसाहारी जीव हो मांस खाते हैं, शेर मांस खाए, उसमें आपत्ति नहीं है क्योंकि उसको भगवान ने उसको खाने के लिए पैदा किया है। तो मैं कहता हूँ, आस्तिकता और नास्तिकता को एक तरफ रखो। अभी खाली यदि तुम प्रकृति का सम्मान करते हो, तुम नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हो, तो भी हम शाकाहारी जीव ही। शाकाहार भारतीय संस्कृति का बहुत वैज्ञानिक विचार है, वो हमारा सिद्धांत है।
वो हमारा मूल्य है, वो हमारा आदर्श है। और हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में, अपने विचारों में यही सिखाते हैं कि बेटा शाकाहारी बनना। और यदि आप अपने बच्चों को शाकाहारी बनाना चाहते हो तो खुद शाकाहारी बनो। ये हमारे भौतिक और भावनात्मक अस्तित्व है ना, ये सब पीछे से चलता है। खाली ये भौतिक अस्तित्व ही नहीं, ये सच है कि हमारा भौतिक अस्तित्व माँ बाप से बना है। इसलिए माँ बाप को जो बीमारियां हैं, माँ बाप की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा हो जाता है। हमारी नाक, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारे हाथ, हमारी भुजाएं, हमारा कद, हमारी हाइट, हमारी आई साइट, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा पेनक्रियाज, हमारे टोटल ऑर्गन्स, वो हमारे माँ बाप के प्रतिरूप होते हैं। अर्थात हमारा भौतिक अस्तित्व पूरी तरह से हमारे माँ बाप जैसा होता है। उसमें थोड़ा पहचान अलग से हो पाए, इसलिए बाहर का आवरण प्रभु अलग दे देता है। ये तो उस ईश्वर की महान लीला है, उस प्रभु की माया है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बहुत बड़ी करामात है कि एक जैसे दो इंसान, एक जैसे शक्ल रखने वाले दो इंसान धरती पर नहीं। लेकिन ये सच है कि हमारा संपूर्ण भौतिक अस्तित्व माता पिता के द्वारा निर्मित होता है। और जो माँ बाप की बीमारियां होती, माँ बाप का जैसा शरीर होता है, वही शरीर, वही बीमारियां, वही सारा अस्तित्व हमारा निर्मित होता है। लेकिन इस भौतिक अस्तित्व से भी ज्यादा भारतीय संस्कृति में महत्व दिया है भावनात्मक अस्तित्व को। यदि पिता मांसाहारी है तो 80% संभावना रहती है कि बच्चे मांसाहारी होंगे। मैं उसको ज्यादा भी कह सकता हूँ, 99%, 100%। मैंने पश्चिम में देखा है, माँ बाप मांसाहारी तो बच्चे जन्म से मांस खाते हैं। माँ बाप शराब पीते हैं तो बच्चे जो है बचपन में उनको थोड़ा बचा के रखते हैं, फिर वो भी शराब पीने लग जाते हैं। माँ बाप दुराचारी हैं तो बच्चे दुराचारी होते हैं। माँ बाप ने एक दूसरे को तलाक दिया तो बच्चे आगे अपने फैमिली लाइफ में तलाक ही देते हैं। माने एक एक विचार ध्यान से सुनना मेरी बात को। खाली आपका भौतिक अस्तित्व ही आपके बच्चों में परिवर्तित होकर के नहीं जाता है, आपका भावनात्मक अस्तित्व उन बच्चों में पहुंचता है। यदि माँ बाप दुराचारी हैं तो बच्चों की सदाचारी होने की संभावना नगण्य रहती है। इसलिए हमारे यहाँ पर जब शादियां की जाती है तब इस बात को देखा जाता है, इसके कुल पर, इसके वंश पर कोई दाग तो नहीं है। अर्थात इसकी माँ, इसके बाप, इसके दादा दादी, इसकी 7 पीढ़ियों में कोई दुराचारी तो नहीं था। दुराचारी माँ बाप की संतान का सदाचारी होना बहुत मुश्किल काम है। मांसाहारी माँ बाप की संतान का शाकाहारी होना बहुत मुश्किल काम है। संयम, सदाचार, मोहब्बत, प्यार, शौर्य, जिनके माँ बाप देशद्रोही थे उनके बच्चों का राष्ट्रवादी होना, देशभक्त होना बहुत मुश्किल काम है। ये खून में होता है देशद्रोह, खून में होता है शाकाहार और मांसाहार, खून में होती है मोहब्बत, खून में होती है घृणा, खून में होती है करुणा, खून में होता है प्रेम, खून में होती है शक्ति, खून में होती है भक्ति। जिनके पूर्वज पराक्रमी थे उनके वंश आने वाली पीढ़ियां उनकी पराक्रमी होती है। तो मेरे भाई, यदि आप आने वाली पीढ़ियों को संवारना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहते हो, तो भाई अपनी पीढ़ियों को सुधारने के लिए पहले खुद सुधारना। मैं कह रहा था ये भौतिक अस्तित्व से ज्यादा बहुत बड़ा अस्तित्व हमारा भावनात्मक अस्तित्व है। और ये पूरी दुनिया जो बटी हुई है वो भावनात्मक दृष्टि से बटी हुई है, विचारों की दृष्टि से बटी हुई है। ये जो धर्म के नाम पर विभाजन हो, या मजहबों के नाम पर विभाजन हो, या अलग अलग संस्कृतियों के नाम पर विभाजन हो, ये विभाजन इसके पीछे कारण है आप। इसलिए एक बार फिर से विचार करना। मैंने तो पूरी दुनिया को इसी तरह से बटे हुए देखा। शाकाहारी एक तरफ बटे हुए, मांसाहारी दूसरी तरफ बटे हुए, शराब पीने वाले लोग एक तरफ बटे हुए, शराब न पीने वाले लोग एक तरफ बटे हुए, अत्याचार करने वाले, हिंसा अपराध करने वाले लोग अलग खड़े हुए हैं, और मोहब्बत की बात करने वाले, मानवता की बात करने वाले, मानवीय हितों की बात करने वाले, या मैं कहूं कि समष्टि के हित की बात करने वाले लोग एक तरफ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा विभाजन है।
कुछ लोग हैं जिनके खून में ही हिंसा है, जिनके खून में ही अपराध है, कुछ लोग हैं जिनके खून में ही दारू पीना है, वो दारू पीते हैं क्योंकि इसके माँ बाप ने दारू पीते पीते उन बच्चों को पैदा किया था, वो पैदा होते ही दारू पिएंगे। ये पूरी दुनिया ऐसे ही बटी हुई है। आप देखते हैं अपने घर परिवार में, देखो अपने समाज में देखो, मांसाहारी लोगों के जाने के ठिकाने अलग हैं, शाकाहारी लोगों के जाने के ठिकाने अलग हैं। मांसाहारी लोग, शाकाहारी लोग, शराब पीने वाले लोग, शराब न पीने वाले लोग, संयम और सदाचार में विश्वास रखने वाले लोग और दुराचारी लोग, पूरी तरह से अलग बटे हुए हैं। परिवारों में प्रेम रखने वाले लोग, संयुक्त परिवार में जीने वाले लोग जिनमें 10-10, 20-20, 50-50 लोग एक साथ रहते हैं, और ऐसे लोग बच्चों के सामने माँ बाप झगड़ते हैं, थोड़े दिनों तो बच्चों पर दया करके साथ में रह भी लेते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप अलग हो जाते हैं, तलाक, ये सारा कुछ जो आज हमारी आंखों के सामने घटित तो हो रहा है, इसके लिए 80% हम जिम्मेदार हैं। आज हम जहां पर भी खड़े हैं, भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, 80% हमारे पूर्वजों से हमें आया। इसलिए मेरे भाई, जो 80% आगे दे रहे हो, आपका बहुत बड़ा दायित्व है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप यदि, आपके खून में मेहनत है तो आपके बच्चे पुरुषार्थी होंगे। मैंने देखा कई शताब्दियों तक अफ्रीकन कंट्रीज में 450 वर्षों तक लगभग गोरों ने राज किया है, और तभी से लोग पुरुष जो है, इन लोगों में पुरुषार्थ नहीं था अफ्रीकन कंट्रीज में। यहां रेल की पटरियां भी बिछानी हो तो भारत से लोगों को लाना पड़ा था, यहां उद्योग लगाए तो वहां पर उद्योगों को चलाने के लिए भारत के लोग आए, खून में पुरुषार्थ नहीं। आपके खून में पुरुषार्थ है तो आपके बच्चे पुरुषार्थी होंगे, आपके खून में शाकाहार है तो आपके बच्चे शाकाहारी होंगे, आपके खून में मांसाहार है तो आपके बच्चे मांसाहारी होंगे, आपके खून में संयम और सदाचार है तो आपके बच्चों में संयम सदाचार आएगा, आपके खून में संयुक्त परिवार के भाव अर्थात संबंधों की पवित्रता, संबंधों की महत्ता संपत्ति से ज्यादा है तो आपके परिवार बिखरेंगे नहीं। ये जो कुछ आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सारा का सारा चलता है हमसे। इसमें हाँ, बाद में इन्वायरमेंट जैसा दिया जाएगा उस तरह से उसमें करीब 20% परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो मेरे भाई, जो आज माँ बाप बन रहे हैं या जो बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं, उनके बहुत बड़े दायित्व हैं। शिक्षा वाणी से नहीं, अब आचरण से देनी होगी, और आचार ही परम धर्म है, और आचार यदि बिगड़ गया तो फिर सारे मूल्य, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता और वो सारा अतीत का गौरव कोई मायने नहीं रखता है। आचारहीनम न पुनंति वीथा। इसलिए आओ, अपने आचरण को पवित्र बनाओ और अपनी संस्कृति की शिक्षा अपने आचरण से दो। और हमें गर्व है कि भारत की संस्कृति बहुत महान थी, लेकिन आज उन सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। हमारी संस्कृति हमारी बहुत बड़ी विरासत है, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार सार्वभौमिक हैं, वैज्ञानिक हैं। आओ फिर से अपने इन्हीं संस्कारों की ओर लौटें, अपनी संस्कृति की ओर लौटें, और एक बहुत खूबसूरत जीवन बनाएं, एक बहुत सुंदर समाज बनाएं और एक सुंदर विश्व का निर्माण करें, भगवदीय सत्ता का धरती पर अवतरण करें, इस पूरे विश्व को स्वर्गमय बनाए। स्वर्ग यही है, नरक यही है, और वह निर्मित होता है हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी दृष्टि से, हमारी सोच से। तो आओ फिर से लौट चलें अपने
अतीत के मूल्यों की ओर फिर से लौट चलें अपनी संस्कृति।